तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा, जिनका भारत मंडपम में आगमन हो चुका है। पहले मेहमान आज के G20 शिखर सम्मेलन 2023 में भारत की अध्यक्षता में भारत मंडपम में प्रवेश करते हुए एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो एशिया और प्रशांत क्षेत्र में समावेशी विकास की सोच को आगे बढ़ाता है, बहुत ही आवश्यक। इसी सोच के तहत ये बैंक विभिन्न देशों को वित्त भी उपलब्ध कराता है और ये विकास को भी गति देता है। इन मायनों में एशिया के विकास के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक अपनी भूमिका लगातार बढ़ाता रहा है। बहुत बड़ी भूमिका, 21वीं सदी, एशिया की सदी, और एशिया में फाइनेंस की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए एडीबी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और कैसे इसको और सशक्त किया जाए, कैसे इसका बेहतर कैपिटलाइजेशन किया जाए, उस पर भी फोकस एडीबी का इस वक्त आप देख रहे हैं। भारत मंडपम के अंदर की तस्वीरें, जहां पर योग मुद्राएं भारत की संस्कृति और सभ्यता से हमारे विदेशी मेहमानों को परिचित कराते हुए नजर आएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औपचारिक रूप से इन सभी नेताओं का स्वागत करेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा जो भारत मंडपम में प्रवेश कर चुके हैं और अब कुछ ही पलों में प्रधानमंत्री उनका औपचारिक स्वागत करेंगे। भारत मंडपम में जिस जिस स्थान से हमारे राष्ट्राध्यक्ष विभिन्न मेहमान गुजरेंगे उन्हें फ्लैग्स के द्वारा झंडे लगाकर उनका स्वागत किया जा रहा है और भारत मंडपम की खूबसूरती से दो चार होते हुए ये सभी हमारे मेहमान मुख्य स्थल तक पहुंचेंगे। तो एशियाई क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए एडीबी की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है और भारत एक बहुत ही अहम हिस्सा इस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा का स्वागत करते हुए।